वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि काफ़ी बच्चों को डाउट है कि जो एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में होगी उनका लेवल कैसे आएगा, तो उन बच्चों के लिए जैसे कि रिजल्ट मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम प्रीवियस गेस्ट पेपर देखते होते हैं तो हमने जो पहले वाले एग्ज़ाम देखे उनका जो लेवल देखा है वो लेवल आ रहा है ईजी या ईजी टू मॉडरेट या मॉडरेट लेवल आ रहा है। तो जैसे कि रिजल्ट जो 23 वाला एग्ज़ाम हुआ है रिसेंट, वो उसका लेवल ईजी टू मॉडरेट था। और जो लेवल है जैसे कि अगर हम पहले बिफोर लॉकडाउन वाले लॉकडाउन से पहले वाले एग्ज़ाम और अब वाले एग्ज़ाम का कंपैरिजन करें तो अब जो एग्ज़ाम आ रहे हैं आफ्टर लॉकडाउन बहुत ज़्यादा इजी आ रहे हैं। जैसे कि रजे पहले बच्चे खुद बोलते होते थे और हम भी नोटिस करते थे रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आती थी, बट अब जो रीडिंग आ रही है वो ईजी टू मॉडरेट आती है, जब मॉडरेट लेवल की आती है, अब वो एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट लेवल नहीं आता है। अगर हम बात करें कि आप कौन सी वेबसाइट में से प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ से रीडिंग पैसेजेस मोस्टली उठाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट है IELTSFever.com, सेकेंड है IELTSOnlineTraining.com, थर्ड वेबसाइट है जैसे कि रजी थर्ड वेबसाइट है मिनी IELTS, जहाँ से मोस्टली कैम्ब्रिज का मटेरियल उठाया जाता है। जो फाइनल एग्ज़ाम में रीडिंग आएगी वो कैम्ब्रिज वाला ही लेवल आएगा, उससे ऊपर लेवल नहीं आएगा। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब